हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अम्मी से रेसिपी शेयर करूँगी, पोहे दही वाला की रेसिपी। प्लीज़ इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा ये खाने में। तो चलिए शुरू करते दही वड़ा बनाना। दोस्तों, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि आप कौन सा प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस करेंगे तो आपके लिए आसान पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दही ले लिया है एक कटोरा में। हम लोग दो लोगों के लिए दही बड़ा बना रहे हैं तो उनके हिसाब से मैंने ले लिया है दही। ये जो दही है ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। अगर आपके पास पतला दही है तो आप उसको एक कपड़ा में कुछ देर के लिए लटका के छोड़ सकते हो ताकि जो पानी है वो नीचे गिर जाए और वो थिक दही मिल जाए। तो दही को ले लिया है मैंने, उसको थोड़ा सा विस्कर जो है उसे फेंट लिया। यहाँ पे मैंने एक टेबल स्पून जो है चीनी ऐड कर रही हूँ। ये जो दही है ये फ्रेश दही है, खट्टा ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा खट्टा है तो थोड़ा सा और आप मिला लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि दही जो है ये हल्का सा मिठास होना चाहिए, खट्टापन जो है वो नहीं होना चाहिए दही में। तो मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी मैंने मिला दिया है, हल्का सा उसको पतला करना है मुझे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। अब उसको विस्कर जो है उससे मैं अच्छे से फेंट रही हूँ, इसीलिए फेंट रही हूँ ताकि दही जो है उसका जो टेक्सचर है वो एकदम महीन हो जाए, उसके अंदर कोई तरह भी लम्ब्स वगैरह ना रहे। क्योंकि अगर लम्ब्स वगैरह रहेंगे जब हम लोग दही वड़ा के ऊपर उसको डालेंगे तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा और उसका जो लम्ब्स है वो मुँह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, ऐसा कंसिस्टेंसी चाहिए जो एकदम क्रीमी जैसा हो, है ना, ये क्रीम जैसा बन गया है बिल्कुल। अब इसको अच्छे से चीनी जो है उसको मिला दिया है मैंने, चीनी को ग्राइंड नहीं किया था। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में क्योंकि ठंडा दही बहुत अच्छा लगता है दही वड़ा के साथ। अब जो उसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इमली का पेस्ट बनाना। इमली मैंने यहाँ पे गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। अब जो इमली जो है ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया है, इसका जो पल्प है इसको मैं पहले से हाथ से अच्छे से ना स्मैश कर लूँगी ताकि पानी में जो है ये इमली का जो है वो अच्छे से मिल जाए। उसके बाद जो इसका जितना भी सारा हार्ड पोर्शन है, इसका जो बीज है, बाकी सारे अंदर के जो भी है उसको मैं निकाल लूँगी हाथ से। मोटा मोटा है जितना भी सारा हार्ड चीज़ है जो खाने लायक नहीं होता है उसको निकाल के रख देना है हमें। और एक बात बताऊंगी कि जिन लोगों को ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी लगता है वो एक काम कर सकते हैं, मार्केट में जो होता है इमली का पेस्ट वो ला सकते हैं। यहाँ पे मैं पिक्चर दिखा रही हूँ। लेकिन मेरा यकीन मानिए, होममेड इस पेस्ट जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आप इमली से उसका जो पल्प है उसको निकाल सकते हैं, इसको निकालने में घड़ी देखिए 10 मिनट लगेगा और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं है, एकदम फ्रेश इमली है। तो ऐसे जो विस्कर है उससे मैं निकाल रही हूँ और मेरा जो ये छन्नी है ना ये बहुत ही ज़्यादा फाइन है। अगर ये उतना ज़्यादा फाइन ना हो तो उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। तो बस मेरा मोटिव यही है, जो पल्प है उसमें अंदर जितना भी सारा छोटे छोटे दाना होता है, जो इमली का छिलका होता है हार्ड वाला, वो उसका दाना जो है वो एक एक पार्टिकल्स यहाँ से निकल जाए। और मेक श्योर कि आप थोड़ा थोड़ा पानी उसमें ऐड करते रहिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। एक काम कर सकते हैं आप, स्टार्टिंग में पानी मिला सकते थे अपने हिसाब से, बट मुझे ये वाला चीज़ ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गुड़। क्या होता है, जितना इमली आप ले हो उतना गुड़ आपको लेना चाहिए, बट इट डिपेंड्स कि आपका गुड़ जो है वो कितनी ज़्यादा मिठास देता है, ये भी डिपेंड करता है। अगर जो गुड़ है उसका मीठापन थोड़ा सा कम होता है तो बाद में हम लोग जो चीनी डाल के उसको एडजस्ट कर लेंगे टेस्ट करने के बाद। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को मिला लिया। इसके बाद अब मैं इसको गैस पे चला दूँगी और मीडियम फ्लेम में मुझे इसको 7 से 10 मिनट पकाना है अच्छे से। अभी 8 से 10 मिनट इमली का चटनी जो यहाँ पे बन रही है तो मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 1 कप उड़द के दाल ले लिया है और उड़द के दाल को मैंने 2 घंटे पहले हल्का गर्म पानी में भिगो के रखा था। अगर आपके पास टाइम है तो आप 4 to 5 आवर्स इसको भिगो के रख सकते हो तो काफ़ी होता।
और मैंने यहाँ पे 1 कप उड़द की दाल में आधा इंच अदरक जो है उसको ले लिया है, और इसको ही ग्रेटर से मैं ग्रेट कर लेती हूँ, क्योंकि समटाइम्स जो होता है ना अदरक जो है वो अच्छे से ग्रेट नहीं होता मिक्सर ग्राइंडर में, और मुँह में वो आता है तो मेरे फैमिली को वो पसंद नहीं, तो मैं हमेशा अदरक जो है उसको ग्रेट करके यूज़ करती हूँ। बट इसका ढक्कन जो है उसको लगा के इसका फाइन पेस्ट बना लूँगी मैं। और दाल जो है मैंने पीस लिया, यहाँ पे खजूर था मेरे पास, थोड़ा सा ज़्यादा मीठा वाला हल्का स्टिकीपन है इसमें, इसको मैं थोड़ा सा छोटा छोटा चॉप कर ले रही हूँ नाइफ़ की मदद से। ये मैं डालूँगी जो चटनी है उसमें, बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अब देखिए ये मैंने सौंफ, जीरा और ब्लैक पेपर जो है काली मिर्च उसको थोड़ा सा मैंने भून लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा एकदम फाइन ग्राइंड तो नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा मैं इसमें पीस लेती हूँ। इसको मैं चटनी में हम लोग डालेंगे तो इससे जो चटनी का एसेंस आएगा ना वो बहुत ही अच्छा लगेगा। जो चटनी है उसका स्टेटस ये है, अभी भी उतना ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई है चटनी जितना मुझे चाहिए था। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताऊंगी, अगर आप इंस्टेंट मतलब अभी बना के अभी चटनी खाना चाहते हो तो उसमें आप क्या करोगे। अभी जो मैंने डाला है जो खजूर मैंने काट के रखा था ना छोटा छोटा पीस करके, वो मैंने डाल दिया इसमें। इसमें क्या होगा जब आप दही भल्ले खाएंगे चटनी के साथ, जो खजूर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा इसमें उबालने के बाद, तो बहुत अच्छा देगा वो टेस्ट। इसके बाद जो मसाला है मैंने आधा टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है, अब मैं इसको अच्छे से खोलने दूंगी। अगर आप लोग को जो ये चटनी है ये आज के लिए बनाना है, बहुत ज़्यादा आप बना रहे हो, तो इसी स्टेज में आप थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए 2 से 3 मिनट, आप चटनी को निकाल लीजिए। जितना आपको चीनी चाहिए उसको ज़रूर एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, खट्टी मीठी चटनी है ये, तो मीठा जो है उसका भी टेस्ट इसमें पता चलना चाहिए, ठीक है। तो मुझे जो है मुझे ये चटनी स्टोर करके फ्रिज में रखना है, ताकि बाकी कभी भी मैं चाट बनाऊँ या पकौड़ी बनाऊँ तो उसके साथ ये चटनी जो है उसको खा सकूँ। और ये जो है मुझे थोड़ा सा कम लगा था गुड़, तो मैंने यहाँ पे चीनी ऐड कर दिया। आप पूरा गुड़ में भी इसको बना सकते हो, आप पूरा चीनी में भी इसको बना सकते हो, और मेरी तरह गुड़ और चीनी में भी इसको बना सकते हो। तो इसको मैं अच्छे से उबाल दूंगी अभी से जो है ना, ये 7 से 10 मिनट मैं इसको और उबाल दूंगी, ताकि जो चटनी है ये थोड़ा सा गाढ़ी हो जाए और इसका जो लाइफ लॉन्ग है थोड़ा सा बढ़ जाए। मैं इसको एयरटाइट कंटेनर में भर के 6 मंथ तक इसको मैं रख सकती हूँ, लेकिन वही इसको अच्छे से उबालना है, थोड़ा सा गाढ़ी होने तक वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से ये चटनी है उबाल आ गया है, और 7 मिनट के लगभग हो चुका है कि मैं इसको ऐसे उबाल रही हूँ। तो ये जो है ये चटनी जो है ये बनके रेडी है, ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था, वैसे इसमें स्टिकीपन भी आ गया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो ये चटनी है ये बनके रेडी है, गैस का जो फ्लेम है मैंने उसको कर दिया है बंद, काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है, लेकिन चटनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है अभी भी, उसमें थोड़ा सा उबाल आ रहा है। ये जो ठंडा हो जाएगा उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा। और मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाऊँगी कि कैसे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो तो कैसे आपको पता चलेगा कि चटनी बन के रेडी है। थोड़ा सा स्पैचुला में ठंडा होने के बाद चटनी को ऐसे करिए, आप देखेंगे एक तार वाला जो होता है ना वो ऐसे बन रही है। तो बस आप इसको रख दीजिए फ़ैन के नीचे से, मैं भी थोड़ा सा फ़ैन के नीचे इसको मैं रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे दाल जो है वो अच्छे से पीस गई थी, अब मैं इसको अलग से जो कटोरा है उसको निकाल लूँगी ताकि मुझे मिक्सिंग करने में आसान हो। और मैंने इसमें पानी का यूज़ जो है वो बहुत कम मात्रा में किया है, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर मिला देंगे तो पतली हो सकती है, और अगर पतली हो जाए तो बाद में हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो जार है मैंने जिसमें पीसा था, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मिक्सचर में वो पानी ऐड कर दिया, थोड़ा सा अच्छे से उसको फेंट लिया है मैंने। जितना फेंटेंगे ना उतना ज़्यादा फूलेगा आपका जो दही वड़ा है वो। और फेंटने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, 1/2 टीस्पून नमक, और थोड़ा सा हींग मैं इसमें ऐड करूंगी, 1 pinch of हींग, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा हींग का जब दही वाला खाएंगे। तो अच्छे से फेंट देना है, और इसका जो कंसिस्टेंसी है ये थोड़ा सा पोरिंग कंसिस्टेंसी रखना है, ताकि आप चम्मच से जो इसको उठाओ और ऐसे ये नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं कि तुरंत गिर जाए, थोड़ा सा वेट करके गिरे। तो इसको घड़ी देख के आप 4 मिनट ऐसे फेंट लीजिए, ठीक है। अब जो है ये अपम पैन में इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है
दो तीन ड्रॉप उसमें मैं डाल देती हूँ। दही वाला जो है फ्राई करके भी बना सकते हो, बट वो थोड़ा सा अनहेल्दी होता है मेरे हिसाब से। अगर आपके पास हेल्दी वाला ऑप्शन है तो वी शुड गो फॉर दिस, है ना। तो ये जो अपन पैन है आराम से 500-600 रुपये में मिल जाता है अमेजन में, आप उसको खरीद लीजिए। उसमें पकौड़ा वगैरह बहुत सारी चीज़ बनाते, और जब से मेरे पास ये अपन पैन आया है मैं डीप फ्राइंग वाला चीज़ बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि कम तेल में वही टेस्ट और बेटर टेस्ट मुझे इससे मिलता है। ये मैं नहीं कहती हूँ, जिनको मैं खिलाती हूँ वो भी सेम ही बात बोलते हैं। तो जो भी हो, तो मैंने यहाँ पे जो मेरे पास स्पून है छोटा सा, उससे मैं यहाँ पे जो पेस्ट है उसको मैं डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा ही भर लीजिए। एक में थोड़ा सा ज़्यादा भर गया था, पर इससे क्या होगा, दही भल्ला जो है ये फूलेगा बहुत अच्छे से और कम तेल होगा और ये हेल्दी भी होगा। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। ये जो है वो थोड़ा सा 1 से 2 मिनट टाइम ही ज़्यादा लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो इसको मैं अच्छे से डाल दूँगी। मैं जो मेरा 1 कप मैंने बनाया था उससे इतना ही बना है, ये 12 सेट वाला है तो 11 के लगभग बना था। तो इसको मैं अभी गैस का जो फ्लेम है उसको स्टार्टिंग में सेम आँच पे रखना है, मीडियम में नहीं रखना है। सेम आँच पे आप 2 मिनट रखिए, उसके बाद आप इसको जो है इसको पलट दीजिए। मैं ढक के छोड़ दूँगी इसको, ठीक है। और 2 मिनट बाद देखिए मैंने इसको खोल दिया है, और जो मैं देख सकती हूँ कि थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर का ले लिया है जो दही भरा है उसका अपोजिट साइड वाला। तो इस टाइम मैं क्या कहूँ, पलटना नहीं है, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें भी उतना ही ऑयल डालना है जितना ऑयल हम लोग स्टार्टिंग में डाल देते, 2 से 3 ड्रॉप ऑयल सारे में डाल दूँगी। और थोड़ा थोड़ा सा उसको ना चम्मच से उसके ऊपर अच्छे से लगा दूँगी, ताकि ये वाला भी जो साइड है ये अच्छे से कुक हो जाए। और इसको ऐसे सावधानी से पलटना है, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना, आराम से ही पलटिएगा, क्योंकि जो ऊपर वाला है ये अभी तक कच्चा है, पका नहीं है, और नीचे वाला जो है ये बिल्कुल पका नहीं है, ये हल्का सा पका है, देखिए लाइट गोल्डन सा कलर आया है। तो ऐसे सारे को पलट देंगे हम लोग। तो ऐसे ही पलट पलट के थोड़ा सा फ्राई करना है, और जो गैस का फ्लेम है अभी आप उसको मीडियम में रख सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल जो है मैंने ऊपर से लगा दिया है, क्योंकि जो साइड साइड से ये पका नहीं है ना, उसको भी थोड़ा सा इसको मूव करके इसको पकाना है। बस आप देख सकते हैं कितना आसानी से इतना सारा दही बल्ला जो है वो बन के रेडी है, और बड़ा बड़ा भी बना है, ऐसा नहीं कि एकदम छोटा बना है। तो बस वैसे ही उसको फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गर्म पानी करने के लिए पानी को चढ़ा दिया है, थोड़ा सा नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ज़्यादा नहीं खोलाना है, हल्का सा उबाल आ जाए, उबाल आना स्टार्ट हो जाए, मतलब 50-60 डिग्री टेम्परेचर जब होता है जो जिस पैन में आप चलाएंगे, थोड़ा सा उसमें बबल्स आना शुरू हो जाएगा, तभी जो गैस उसको बंद कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर जो भरा है कितना फुला फुला बना है, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ प्रेस करके, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है इसमें कि ये डीप फ्राई वाला नहीं है, बहुत ही कम तेल में मैं इसको बनाई हूँ। तो ये जो भरा है ये बन के एकदम रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये जो भरा है ये बन के रेडी, तो मैं इसको उठा लूँगी अभी प्लेट में। इसके बाद जो ये गर्म पानी में जो नमक डाला था वो अच्छे से मिल गया था। अब देखिए जो बड़ा है इतना सॉफ्ट फ्लफी बना है, बहुत अच्छा लगा था। तो इसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के छोड़ देंगे, ताकि कुछ पानी ये अपने अंदर सूख करके और ज़्यादा फूल जाए। और इसको थोड़ा सा दबा के रखना है बीच बीच में, ऐसा नहीं कि आप मतलब डाल के ही छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे प्रेस करते रहिए ताकि पानी जो है वो अच्छे से सूख कर पाए। और इसको रखना है 7 से 10 मिनट तक, याद से रखिएगा। तो चलिए 7 से 10 मिनट हो गया। इस बीच में मैंने ग्रीन चटनी भी बना लिया था, पुदीना पत्ता धनिया पत्ता सेम सेम क्वांटिटी में मैंने डाला था, अदरक डाला था 1/2 इंच का, और 2 मिर्च डाला था, और थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से मिला लिया था, मैं दिखाऊंगी बाद में। और ये जो है एकदम सॉफ्ट बन के रेडी है दही वाला, बहुत ही अच्छा बना था। तो इसको मैं अभी प्लेट में निकाल लूँगी सर्विंग के लिए। थोड़ा सा हाथ से ऐसे प्रेस करके जो पानी है उसको निकाल लीजिए, नहीं तो एकदम पानी पानी लगेगा। ये मुद्दा ही है कि थोड़ा सा इसको मतलब बीच में से ऐसे क्रैक करके डालें, ताकि जो दही है ना ये दही भी इसके अंदर अच्छे से चला जाए। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसको क्रैक करना है।
अब जो मेन काम है उसका शुरुआत है, इसको डेकोर करना अच्छे से। और दही जो है एकदम ठंडी है और हल्की सी मिठास भी है इसमें। और घर में दही वड़ा बना रहे हैं इसका तो मेन फ़ायदा है कि टॉपिंग्स जो है एकदम मन भर के आप बनाइए। मुझे जो ये दही है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, तो मैंने काफ़ी सारा इसमें डाल दिया है। अब दुकान में जाओगे तो इतना सारा वो लोग नहीं डालेंगे, वो काफ़ी बार बोलना पड़ेगा। यही होता है होममेड फूड जो है उसका मैजिक। और जो चटनी है इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी, तो मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ ये जो खजूर है, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रहा था। और सौंफ, जीरा, ब्लैक पेपर का हल्का तीखापन भी आ रहा था। और ये चटनी जो है ये मैंने थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि मुझे अभी के लिए चाहिए था, तो इसको मैं डाल दूँगी। ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा तीखी बनी थी, मैंने इसमें 2 मिर्चा इसमें ऐड किया था। इसको डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें दही और ऐड कर दूँ, जैसे मैंने बताया मन मर्जी के हिसाब से आप इतना भी चटनी वगैरह हो डाल सकते हो। और दही वड़ा में ना आप अच्छे से दही चटनी डालेंगे तो ही खाने में मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि सूखा सूखा दही जो वड़ा है उसमें आप हल्का सा दही डाल के उसको खा रहे हो। दही वड़ा खाने में मज़ा तब भी है जब दही जो है ना उसमें जो वड़ा है वो अच्छे से डूब जाए, उसको सूख कर ले, उसका टेस्ट उसमें आए। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करने के बाद जो ये सेव है उसको मैंने ऐड कर दिया था, इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और इसके ऊपर मैं फिर से थोड़ा सा दही वगैरह ऐड करूँगी। आप चाहे तो लाल मिर्ची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, पर ज़रूरत नहीं था क्योंकि इसमें जो है ग्रीन चटनी में काफ़ी तीखापन था और जो रेड वाला चटनी मैंने उसमें ब्लैक पेपर का भी यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट का बैलेंस हुआ है इसमें। मैं फिर से इसमें थोड़ा सा दही ऐड करूँगी और जो चटनी है वो ऐड करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दही वड़ा जो है वो खाने में। और तभी ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसमें चटनी, दही जो है वो प्रॉपर मात्रा में हो। थोड़ा सा दही होगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा, एकदम जो वड़ा है वो अच्छे से डूबा होना चाहिए दही में, चटनी में, तब मज़ा आएगा। तो जा रही मैं इसको फ़िलहाल खाने। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आप जिनको खिलाएंगे उनका दिल जीत लेंगे, आप ही इतना ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। तो लेती हूँ आप लोगों से अलविदा, मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नया वीडियो के साथ, एक नया एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। बाय बाय फ्रेंड्स।